For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. देवुलीना और सिद्धार्थ शुक्ला की एक अलग ही तरह की लव स्टोरी शुरू हो चुकी है. जी हाँ, और ये कोई हंसी मजाक में या फिर एंटरटेनमेंट के लिए नहीं लग रही है. ये अब धीरे 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 जेन्युइन लग रही है. और सिर्फ देवुलीना ही नहीं बल्कि माहिरा ने भी सिद्धार्थ शुक्ला को जो है कह दिया है कि वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे और एंटरटेनिंग लगते हैं, अच्छे लगने लग गए हैं. ओ माई गॉड, बिग बॉस के घर में इक्वेशंस बदलती है ये पता था बॉस, लेकिन इतनी फाड़ू इक्वेशंस बदलती है ये नहीं पता था. जी हाँ, डेफिनेटली इस बार वीकेंड का वार पर घर वालों को टास्क दिया गया एक दूसरे को टैग्स देने का, यू नो टाइटल्स देने का, जिसका बोर्ड वो अपने गले पर लगाएंगे. अब ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला ने एंटरटेनिंग का जो मोस्ट एंटरटेनिंग का जो टैग है वो दे दिया देवोलीना भट्टाचार्य जी को. जी हाँ, यानी कि देवोलीना को जब उन्होंने दिया तो देवोलीना आती है और फिर वो जैसे वरमाला यानी कि जयमाला होती है दूल्हा दुल्हन के बीच में, वैसा कुछ एक सिनेरियो में नजर आया जहाँ सिद्धार्थ शुक्ला उन पर वरमाला वाले पोज में वो बोर्ड लगाते हुए नजर आए, एंटरटेनिंग का बोर्ड लगाते हुए नजर आए. और साथ ही साथ ऑडियंस का वीकेंड का वार पर एक तरीके से ऑडियंस का भी ओपिनियन समझ में आता है कंटेस्टेंट्स को. तो ऑडियंस का ओपिनियन ये समझ में आया कंटेस्टेंट्स को यानी कि देवुलीना को कि वो जो नोकझोंक कर रही है सिद्धार्थ शुक्ला के साथ वो दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा है. और कुछ इसी तरीके से हल्की फुल्की मस्ती मजाक होती है वीकेंड का वार पर. सो आप आज बिल्कुल मिस मत कीजिएगा वीकेंड का वार. दिस इज ज्योतिना हक साइनिंग ऑफ. और हाँ, इनकी जोड़ी कैसी लग रही है आपस में आप जरा कॉमेंट करके भी बता दो.